तो मैंने सोचा बिल्ली ट्राई करूं। बिल्ली इतनी ज्यादा उड़ गई, अबे 100K का अपन ने सेलिब्रेट किया। कंकड़ होते ना बालू वाले, इसका मान लो 4-5 हजार और इसका मान लो 2 हजार, तो ये हो गया। और ये खड़ी अपनी ड्यूक, और ये थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे भारी नुकसान हो गया यार। फ्लैश जलाए तो समझ आ रहा है, देखो नीचे तक पूरा ऑयल, ये पूरा ऑयली ऑयल हो गया है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो मैं दोपहर में यहाँ से जा रहा था नहर की पट्टी के पास, थोड़ी अच्छी जगह मिली, मतलब ऐसी थी, तो मैंने सोचा बिल्ली ट्राई करूँ। बिल्ली इतनी ज्यादा उड़ गई, मैंने क्लच प्रेस किया कहीं पलट ना जाए, तो इतनी ऊपर से ही 25-26 की स्पीड थी, ऊपर से नीचे डाइट गिरी एकदम स्पीड से, इतनी तेज इंपैक्ट पड़ा इसमें, इस तरह की ऑयल सील ही टूट गई। मुझे लगा कि कुछ ना कुछ हुआ होगा क्योंकि बहुत ऊपर चली गई थी बाइक। जब मैंने झांक के देखा चलती बाइक पे तो हल्का मेरे को ऑयल समझ में आया, फिर घर जाके जब देखा तो सच में ऑयल टूट चुकी थी सील। तो एक नए नए खर्चे आ रहे हैं अभी खाली, अबे 100K का अपन ने सेलिब्रेट किया। और यहाँ पे एक और फटका मिल गया, लंबा चौड़ा खर्चा, इसका ऑयल सील भी इसी को 2,000-2,500 की आती है, और सिंगल ही है वैसे, डबल वाली तो दूसरी नहीं टूटी, एक ही टूटी है इधर की, ठीक है। हाँ लेकिन ये है कि धूल जम जाती ना, धूल जो कंकड़ होते ना बालू वाले वो घुस जाते हैं, वो तोड़ देते। अब कीचड़ में यार ऐसे चलाओ तो ऐसे ही होता है, देखो कितना कीचड़ की जगह। और इसकी भी सर्विसिंग करानी थी, तो एक साथ दो तो खर्चे, देखो हालत देखो, रोड हमारी बहुत गंदी है जहाँ से हम बाइक लेके जाते हैं। तो इसका सर्विसिंग कराना था 8,000 वाली, तो ये 9,000 चल चुकी है, तो इसका मान लो 4-5 हजार और इसका मान लो 2,000, तो ये हो गया। उसके बाद इसकी भी सर्विसिंग का देख लेंगे, तो दोनों का कम से कम 8 से 10 हजार के आसपास का खर्चा बैठ गया है। तो बनवानी तो पड़ेगी, बिकॉज एक आपका पूरा ये स्टफ हो जाएगा, बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, ऑयल खत्म होने के बाद सस्पेंशन बिल्कुल वाला हार्ड हो जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं है, चेंज तो करानी ही पड़ेगा। तो लंबे लंबे खर्चे हैं, और बिली मारना बंद करनी पड़ेगी यार, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन देखो यहाँ तक बह के आ गया। तो मैंने ये मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विली मारने से, मतलब सोचा था कि विली मारने से हो जाता है, इस पे प्रेशर पड़ता है ये टूट सकती है, लेकिन ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी टूट जाएगी, बिकॉज ये तो न्यू है। और वो मैं 2.5 साल से यूज कर रहा हूँ उसका, आज तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया, मतलब कुछ भी, बस एक दफे बैटरी जरूर डाउन हुई थी, उसके अलावा कुछ भी इसमें खराबी नहीं आई ना। मैंने इसको भी काफी चलाया है, गड्ढों में ये कूदी है, लेकिन इसके सौकर आज तक लीक नहीं हुए, लेकिन उस बिचारी के सौकर एक लीक हो गया है यार। बुरा लग रहा है कि खर्चे पे खर्चे आए जा रहे हैं, और क्या ही बताएं, बाकी कोई नहीं, इसको चल के बनवाएंगे। मैंने बात की सर्विस सेंटर में, तो कहा सर इसकी ऑयल सील टूट गई है, आप लेके आ जाओ। तो अब दोनों के लिए जाना पड़ेगा, 100 किलोमीटर 20 कैलोरी देती है, तो आना जाना इसमें 1,000 रुपया इससे ज्यादा का लग जाएगा, उसमें भी 1,000 के आसपास का लग जाएगा, थोड़ी कम लगेगा, लेकिन इतनी के दौरान तो 2,000 तो खर्चा हो गया आने जाने का, इनका तेल, फिर 2,500-2,000 हो गया इसका बनवाई, फिर लेबर चार्ज, फिर उसका लेबर चार्ज, उसकी सर्विसिंग करवाई, उसका फिल्टर और एयर फिल्टर ऑयल फिल्टर चेंज कराने में अराउंड 6 से 7 हजार के आसपास खर्चा आ जाएगा दोनों का। इसकी सर्विसिंग तो है ऐसे, लेकिन अगर इसकी सर्विसिंग कराने में आए तो ज्यादा आ सकता है, क्योंकि इसकी सर्विसिंग का वहाँ पे जाके ही चेक करा लेंगे कि सर्विसिंग करानी की नहीं, बाकी चैन है तो ढीली हो रखी है। एक बंदे को पकड़ना पड़ेगा जो साथ में चले, मैं ये चला के ले जाऊंगा, उस वाले को चला के ले जाएगा। तो बस यही बताना था यार कि कल सेलिब्रेट किया अच्छे खासे मतलब मूड में, और आज ऐसा कुछ हो गया तो बुरा लग रहा है भाई साहब की, मतलब क्या ही कर सकते हैं आप, देखो बह के यहाँ तक आ गए। बाकी चलिए ऐसे ही सपोर्ट करते जाइए, अपना का है, उतार चढ़ाव आती रहती लाइफ में, चल के बनवाएंगे, अब जब खरीदा तो बनवाना तो पड़ेगा ही। तो बस यही दिखाना था कि भाई साहब एक और फटका लग गया लंबा चौड़ा बाइक में अपने, और एक रीजन भी है, देखो यहाँ पे देखो कितनी धूल है, मिट्टी है, बालू है, तो सौकर में जब लगती है ये जो कंकड़ ऐसी दिख रही है आपको, ये जो कंकड़ ऐसी दिख रही है ना, ये कितनी सारी देखो दिख रही है, ये जो यहाँ पे दिख रही है, इसकी वजह से सील टूटती है। ये यहाँ पे रहते हैं, जब वो स्पीड से आता है तो इसके अंदर चले आते हैं बिल्कुल महीन महीन बालू के कण, वो डैमेज करते हैं सील को, इसी वजह से लीकेज होने लगता है। तो बस यही दिखाना था भाई साहब की गाड़ी की हालत खराब हो चुकी है, अब चल के इसको बनवाएंगे। चल तो रही है, चलने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके ऑयल पूरा निकल जाएगा, तो फिर हार्ड हो जाएगा, ठक ठक हवा जाने लगेगी। बस यही बताना था, और ये वीडियो है भैया, अब चल के देखते हैं, और अगर कल जाना हुआ तो कल जाके बनवाते हैं, फिर देखते हैं कितना खर्चा आता है दोनों में। चलिए फिर मिलते हैं कल सर्विस में, या फिर जब टाइम मिलेगा तब, कैसी लगी वीडियो, क्या कैसी लगी यार, नुकसान हो गया। चलो फिर मिलते हैं किसी न्यू वीडियो पे, बाय।